इस बार जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। वो उम्मीद नहीं करते थे, वो समझते थे कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है, लोगों को चुनाव की चिंता है, या आपस में झगड़े करेंगे, प्रतिस्पर्धा में फंसेंगे, जहां जमीन दबा कर बैठ जाओ, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी सरकार भले ही लोकसभा में विश्वास खो चुकी थी, लेकिन हमने इस देश की 100 करोड़ जनता का विश्वास नहीं खोया था। हमने अपने कर्तव्य के प्रति भी पूरी तरह से जागरूकता दिखाई। हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे, और आपने देखा कि सफलता मिली। बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी।